हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज फ्रस्टी क्रीम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, हाय हर्षु। हेलो युगा। हाय कोमल। हेलो जया। हेलो भाग्यश्री। आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ आर यू ऑल? जल्दी जल्दी जिन्होंने ज्वाइन किया है लाइव को, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ज्वाइन हो सके और हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो जल्दी से लाइव को शेयर करो, पेज को लाइक करो। आज का टॉप शेयरर होगा, उसे हमारा एप्रन गिफ्ट मिलेगा और कैरी बैग। हेलो वैशाली, हाय शारदा, हाय प्रियंका, शीतल, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो प्लीज़, सो दैट हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़े से लोग ज्वाइन होने दो। आज हम एक एनिवर्सरी स्पेशल केक बना रहे हैं और फ्लेवर है मैंगो केक, सीज़न का सबसे ट्रेंडिंग केक। वैशाली आस्किंग, मैम आई वांट टू आस्क द केक यू मेड यस्टरडे, टॉप फॉरवर्ड वाला, कैन वी क्रम कोट द फुल केक इन राउंड शेप एंड लेटर कट एंड अरेंज द स्लाइसेस? यस, बट आपको जैसे मैंने कट किया वैसे ही उसको स्टैंड करना है। आप अगर हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो बाद में वो सारा गिर जाएगा। तो जैसे मैंने लेयर्स कट किए और जो लेयरिंग किया था द वे आई हैव मेड, उसको वैसे ही करना है आपको। चाहिए तो आप उसी पोजीशन में उसको सेट कर लो, बाद में उसको स्टैंड करके बाकी सब आप कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप हॉरिजॉन्टल नहीं करना है आपको, ओके? जैसे मैंने वर्टिकल्स किए थे वैसे ही आपको करना है। सो हम अभी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ मैं मैंगो फ्लेवर केक बना रही हूँ। सो यहाँ पे हमने ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन चॉप कर लिया है और मैं अभी लेयर्स कट करती हूँ। पहले दिस इज़ माय मैंगो स्पॉन्ज, इसमें हमने स्पॉन्ज में भी मैंगो का फ्लेवर दिया है। और मुझे थोड़ा सा टॉल केक करना है, सो मैं दो केक यूज कर रही हूँ यहाँ पे। यस, थैंक यू। सो मेरे पास एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा केक है, सो टोटल 5 लेयर्स। ऋषिकेश, क्रीम से नाम कैसे लिखते हैं केक पे?
क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ कर लो और फिर आप उसके साथ नाम लिख सकते हो। नॉर्मल पाइपिंग बैग को एक छोटा सा होल करके भी लिख सकते हो, या फिर आपके पास छोटे नोज़ल होंगे 1 या 2 नंबर के तो उससे भी आप कर सकते हो, या फिर आप जो न्यूट्रल जेल है उसके साथ भी नाम लिख सकते हो। कीर्ति सिंह, हैप्पी बर्थडे टू योर मॉम एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू योर इन-लॉ। थैंक यू कीर्ति। सो अभी हम लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। लेयरिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिस इज हापुस, जो आपका हापुस आंबा होता है, हापुस मैंगो है जो ये, सो अल्फांसो मैंगो का ये पूरा क्रश है। मैंने इसमें और एक्स्ट्रा शुगर ऐड की है बिकॉज कितना भी करो, अगर आपका अल्फांसो है या कुछ भी है फिर भी थोड़ा सा मीठापन कम होता है, अगर केक के अंदर आता है तो उतना स्ट्रांग नहीं लगता है, तो इसीलिए आप हमेशा इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर लो। ओके, तो शुगर ऐड करने के बाद ये थोड़ा स्ट्रांग टेस्ट हो जाएगी इसकी टेस्ट, और उसको हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ माय अल्फांसो क्रश, और ये मैंने जस्ट हाथों से इसको प्यूरी करके लिया है, और ये हम यूज़ कर रहे हैं लेयरिंग में। और क्रीम को भी हम थोड़ा सा फ्लेवरिंग करेंगे, सो क्रीम में भी मैं मैंगो क्रश यूज़ कर रही हूँ। स्लाइटली उसको हम फ्लेवर दे रहे हैं मैंगो का। डिंपल इज आस्किंग व्हाट हैव यू एडेड इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में हमने मैंगो प्यूरी ऐड की है। ये मैंगो केक बनाने का रेसिपी जो है, मैं जल्दी लाइव में दिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको मैंगो केक या स्पॉन्ज कैसे बनाना है, वो भी मैं सिखाऊंगी। थोड़ा सा एक बाउल तो नहीं मिला। अभी मैं क्रीम को भी थोड़ा सा फ्लेवर कर रही हूँ। क्रीम बीट होना बहुत मुश्किल है, आपको जितनी आपकी बीटर की कैपेसिटी अच्छी होगी उतना आपका क्रीम अच्छे से बीट होगा और जल्दी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, अगर बीटर की कैपेसिटी नहीं है अच्छी और उसको आप उसको लगातार कंटिन्यूसली चलाते रहते हो तो बीटर गर्म होता है और उसकी गर्मी से आपका क्रीम भी पिघलना स्टार्ट होता है, वो विप होने के जगह स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। सो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इसीलिए आपका बीटर हमेशा अच्छा होना चाहिए। सो ऑलवेज गो फॉर दी 300 के ऊपर के वैट के ही बीटर्स ले लो। शार्पेजेस केक क्लास की फी 5,000 है, बट दैट इज हैंड्स ऑन क्लास है, उसमें हम हैंड पेंटिंग, एयर ब्रशिंग सब कुछ सिखाते हैं। यस, आप बना सकते हो, आपको जितना बड़ा करना है ना कर सकते हो, ज़्यादा छोटा मत कीजिए क्योंकि फिर आपको सरफेस नहीं मिलता है उसमें काम करने के लिए, इसके लिए बड़ा कर सकते हो आप, बट जितना आप इस तरह से बड़ा करोगे उतना ब्रॉड भी रखना क्योंकि वो प्रॉपरली स्टैंड होना चाहिए, नहीं तो आपका केक कोलैप्स हो जाएगा। यस, मैं मॉम को आप लोगों के सारे विशेस डेफिनेटली कन्वे कर दूंगी। रुचिज आस्किंग मैम ये बेस येलो क्यों है। क्योंकि हमने ये मैंगो केक बनाया है, मैंने इसमें प्यूरी भी ऐड की है और थोड़ा सा कलर। और मैंने सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लाइट मैंगो फ्लेवर दिया है, जैसे क्रीम में मैंने अभी थोड़ा सा क्रश ऐड किया है, इसमें भी थोड़ा सा क्रश ऐड करो शुगर सिरप में, नहीं तो फिर लाइटली आपकी प्यूरी ऐड करो। ओके, बहुत ही लाइट।
Snehal, why cake cracks at side even if kept in refrigerator, low temperature and in box also? क्रीम कम होने के वजह से, आपका जितना क्रीम कम होगा उतना क्रैक्स जाएंगे। क्रीम अप्लाई करने के बाद हम जब फ्रीज में स्टोर करते हैं सारे केक, तो आपका मॉइस्चर निकल जाता है। फ्रीज है वो मॉइस्चर खींच लेता है और सब कुछ ड्राई करता है। सो अगर क्रीम कम है आपका तो वहाँ पे मॉइस्चर कम होने के वजह से सारा क्रीम ड्राई हो जाएगा। शशि, व्हिप क्रीम से टेडी कैसे बनाते हैं? वो कैसे बनाते हैं वो मैं कभी करके दिखाऊंगी। कामिनी सास्कुन, किटकैट केक 500 ग्राम में हो सकता है? बहुत मुश्किल है, बिकॉज किटकैट का वेट आएगा उसमें, तो एकदम से आपको इतना सा 3 या 4 इंच का केक बना के बाकी सब कुछ कवर करना पड़ेगा, बट उसमें कुछ ग्रेट शो नहीं आएगा। फिर दिव्या, मैम प्लीज टेल मी, मेरा स्पॉन्ज बेक होने के बाद थोड़ी देर बाद ऊपर से चिपचिपा हो जाता है, उसको एक लास्ट 5 मिनट आप प्रॉपरली अपर रॉड ऑन करके थोड़ा सा प्रॉपर ब्राउनिंग कर लो तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऊपर से ठीक तरह से बेक नहीं हुआ है, ब्राउनिंग नहीं आया है, तो हो सकता है, या फिर आपने अगर कभी उसको गर्म बंद किया है तो भी वो प्रॉब्लम आती है, और जैसे अभी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। वेनिला ग्लेस एंड कोल्ड ग्लेस सेम है क्या? यस। इमरान इज आस्किंग, मैम आपका कोई वेबसाइट है? यस, वेबसाइट है मेरा, सेम है वैशाली सृष्टि क्रीम। मैं सारे डिटेल्स यहाँ पे पिंग कर दूंगी लाइव में। चांदनी इज आस्किंग, कैन वी यूज फ्रूटी इंस्टेड ऑफ शुगर सिरप? यस, कर सकते हो आप। जस्ट ये ध्यान देना कि फिर बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो जाए, बिकॉज फ्रूटी जितनी स्वीट है उतना आपका केक भी उतना ही सारा स्पॉन्ज सोकिंग होगा इतना सारा, तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आ जाएगा। तो बाकी सब कुछ आप अच्छे से ध्यान देना कि बाकी ज़्यादा स्वीट ना हो। भाग्यश्री जस्मी, आपके पैलेट की पैलेट नाइफ कितने इंच का है? 8 इंच। शालिनी जस्मी, मैम आपकी स्पॉन्ज रेसिपी में 1 kg केक के लिए कितना मैदा लेना होगा? 1 kg स्पॉन्ज करना है या 1 kg फाइनल केक बनाना है वो पहले क्लियर करो। दिव्या सिंह, थैंक यू सो मच मैम, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। स्वाति इज आस्किंग, मैम गोल्डन ड्रिपिंग कशी करायची, त्यासाठी कुठला जेल यूज करायचा? गोल्डन ड्रिपिंग के लिए आपको जेल नहीं यूज़ करना है। गोल्डन ड्रिपिंग के लिए एक तो आजकल ड्रिप्स रेडी अवेलेबल है, गोल्डन ड्रिप्स, सिल्वर ड्रिप्स, ऑल ड्रिप्स आर अवेलेबल, और वो नहीं है तो जो मैं कलर दिखाती हूँ वो कलर को हम डायरेक्टली ड्रिप कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर दी जो एयर ब्रशिंग का कलर है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दी ड्रिप जो रेडी अवेलेबल है गोल्डन। बाकी आप सारे कलर के ड्रिप्स बना सकते हो, बट गोल्डन ड्रिपिंग के लिए आप रेडी ड्रिपिंग लेके आओ। हर्षेय सिंह, आई लव योर ऑल डिजाइंस, थैंक यू। मनीषा सिंह, किड्स बर्थडे केक डिजाइंस भी सिखाना मैम? यस। कामिनी आस्किंग, तो कितने ग्राम का बनेगा किटकैट केक? आपको मिनिमम 1 kg चाहिए किटकैट केक बनाने के लिए। रजनी इज आस्किंग, फोंडेंट ज्यादा दिन यूज ना होने पर ड्राई क्यों हो जाता है? सी, वो फोंडेंट की टेंडेंसी है कि वो ड्राई ही होगा, उसको अगर आप अच्छे से कवर करके नहीं रखोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी,
उसको अच्छे से कवर करके रखोगे तो नहीं होगी ड्राई। शालिनी से आस्किंग फॉर 1 kg फाइनल केक के लिए बेटा। 1 kg फाइनल केक के लिए आप मेरी एक रेसिपी ले सकते हो। अगर आपका फीलिंग हेवी है, जैसे मैंने बोला कि रसमलाई है या फिर रसगुल्ला है, काजू कतली, ऐसे हेवी फीलिंग वाले हैं, तो आप मेरी पूरी एक रेसिपी ले लो या फिर 1.5 टाइम्स ले लो अगर ऐसे कोई क्रश यूज़ होने वाला है। ओके, सो आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो, क्योंकि ये हमेशा याद रखो कि आपका फीलिंग क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। जग्गू मैम, आपका केक स्पॉन्ज प्रीमिक्स का है या स्क्रैच का? हम स्क्रैच से बनाते हैं। सोनाली, इफ द क्रीम इज सॉफ्ट देन आफ्टर अप्लाइंग ऑन स्पॉन्ज विल इट मेल्ट लेटर? यस, आपका क्रीम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर क्रीम सॉफ्ट है तो फिर वो लेयर्स में से बाहर आ सकते हैं, आपके लेयर्स स्लिप हो सकते हैं, इसलिए आपका क्रीम प्रॉपर कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अगर केक में स्वीटनेस कम करनी है तो प्लीज टेल मी ट्रिक्स। सो दैट डिपेंड्स ऑन विच रेसिपी यू फॉलो। आपकी केक की रेसिपी क्या है, उसके साथ हम, जैसे हमारी केक की रेसिपी, उसके साथ हम शुगर सिरप, लाइट शुगर सिरप यूज़ करते हैं स्पॉन्ज के साथ, और फिर क्रश, ये सब कुछ, और क्रीम का स्वीटनेस, ये सब कुछ आके एक प्रॉपर स्वीटनेस हो जाता है केक का। तो अगर आपका केक, मतलब स्पॉन्ज जो भी है, वो अगर ज़्यादा स्वीट है तो आप शुगर सिरप एकदम लाइट बनाओ, एकदम लाइट, एकदम हल्का शुगर उसमें ऐड करो और फिर उसको यूज़ करो। अनीता, जेल में मेटालिक कलर का क्या यूज़ है? जेल में मेटालिक कलर नहीं है, ड्रिप्स में मेटालिक कलर अवेलेबल है। सोनाली इज़ आस्किंग, मैदा केक की रेसिपी सेम रखकर व्हीट फ्लावर के साथ बना सकते हैं? यस, बना सकते हो, लेकिन व्हीट का स्पॉन्जिनेस उतना नहीं आएगा आपका जितना मैदे का आता है। प्रीति मैम, केक को कब अनमोल्ड करना है? केक को 10 मिनट पूरा ठंडा होने दो, फिर अनमोल्ड करो, और जब आप कूलिंग के लिए रखते हो तो कोई एक वायर रैक पे रखो ताकि ये अच्छे से कूल हो जाए। सोनाली, लिक्विड सोडा रेसिपी ज़्यादा अच्छा होता है क्या रेदर देन पाउडर सोडा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी रेसिपी में मैं नहीं यूज़ करती लिक्विड सोडा, सो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। इमरानी सिंह, मैम मेरा केक आफ्टर बेकिंग सेंटर में सिंक हो जाता है, प्लीज एनी सजेशन? दैट मीन्स आपका केक फुल्ली बेक नहीं होता, इसके लिए सेंटर में सिंक हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए या प्रॉपर ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आप बार बार ओवन को ओपन ना करें, केक पूरी तरह से बेक होने दें, बाद में ही उसे बाहर निकालें। दिव्या, मैम केक बेक होने के बाद ऐसे ही ओपन रखना है या कवर करना है? नहीं, ओपन ही रखिए, कवर मत करना बेक। अगर आप कवर करते हो तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ऊपर से स्टिकी हो जाता है टॉप। तृप्ति मैम, 1 kg केक के लिए स्पॉन्ज के वेट कितनी होनी चाहिए? स्पॉन्ज शुड बी अराउंड
450 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 500। सो मैंने जैसे अभी बोला कि ये देखो कि आपका फीलिंग क्या होने वाला है, क्रश है या बाकी कुछ हैवी फीलिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये सब कुछ तय कर सकते हो। मैम, कैन कसाटा कैन बी मेड विथ मैंगो, पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी? यस। पूजा इज आस्किंग शुगर सिरप कैसे बनाना है। शुगर सिरप जनरली एकदम जितना आपका क्वांटिटी है अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा हल्का उसमें शुगर ऐड करो, और आइदर बॉईल करो या बॉइल नहीं करोगे तो भी चलेगा, जस्ट डिजोल्व ऑल द शुगर और यूज करो। सोनालिस से प्लेन वाटर से सोकिंग किया तो भी कभी कभी स्वीट हो जाता है? नहीं, दैट मीन्स आपकी रेसिपी चेक करो, क्योंकि आप प्लेन वाटर यूज कर रहे हो फिर भी स्वीट लग रहा है, दैट मीन्स आपका स्पॉन्ज बहुत स्वीट है, तो उसका स्वीटनेस आपको कम करना चाहिए या फिर कोई लेस स्वीट रेसिपी ट्राई करो। रचना इज आस्किंग मैम, एगलेस स्पॉन्ज है? यस। नेहा इज आस्किंग मैम, नटेला मूस केक कैसे बनता है? मैंने फेरो रोशर दिखाया है, उसमें नटेला यूज़ किया है, मूस यूज़ किया है, सो आप जाके देखो मेरा लाइव। मुक्ता सिंह प्लीज टेल अबाउट स्पॉन्ज क्लास। स्पॉन्ज क्लास में मैंने 4 टाइप्स के स्पॉन्जेस सिखाए हैं और उसकी वैलिडिटी है 1 साल, तो आप 1 साल में देख सकते हो, जितना चाहे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें 3 एगलेस और 1 विथ 1 रेसिपी दिखाई है मैंने। एक साथ बेक कर सकते हैं दोनों रैक पे? दो कन्वेक्शन ओवन OTG है ना आपका, OTG है तो आप मिडल में ही रखना है, आपको ऊपर नीचे नहीं रखना है। सोनाली जैसमिन, ब्रश पेंट कलर आ रहा है मार्केट में, उसका प्रॉपर यूज क्या है? ब्रश पेंट तो कलर तो पेंटिंग के लिए यूज होगा। कीर्ति सिंह, जेल में मैम मेटालिक कलर मैंने लिया है, सिल्वर एंड कॉपर कलर। वो चेक करो कि एयर ब्रशिंग के कलर्स है, क्योंकि ऐसे सारे कलर्स आप क्रीम में मिक्स करते हो तो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो वो कोई फिर फ़ायदा नहीं है क्रीम में मिक्स करके, वो कलर उतना शाइनी नहीं दिखेगा। ऑनलाइन कोर्स इज नॉट अवेलेबल, हाउ मच फॉर स्पॉन्ज क्लास? ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ना, स्पॉन्ज क्लास अभी 500 में अवेलेबल है। सिंड्रेला इज आस्किंग, हेलो मैम, हाउ टू मेक स्विस चॉकलेट केक? स्विस चॉकलेट के लिए आप जैसे नॉर्मली हम गनाश बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है, जस्ट 2 चॉकलेट मिक्स करो, अगर मेड इन स्विस चॉकलेट अवेलेबल है तो उसे यूज़ करो, या फिर आप नॉर्मली जैसे डार्क और मिल्क चॉकलेट को मिक्स करते हम हाफ हाफ क्वांटिटी में लेके स्विस चॉकलेट आप बना सकते हैं। थोड़ा मेरा स्पॉन्ज ऊपर से डोम होता है, क्रैक होता
एक तो ओवन का हीटिंग चेक करो, ओवर हीटिंग नहीं होना चाहिए केक। अगर ज़्यादा गर्म है आपका ओवन जब आप केक रखते हो तो भी ऊपर से डोम शेप आता है। देन उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए, वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, आप जब भी बैटर पोर करते हो तो उसको एयर गैप्स ना आए ज़्यादा। सोनाली, ओवन बाय करना ज़रूरी है क्या जब मैं कुकर की बेकिंग से सेटिस्फाइड हूँ? अगर कुकर की बेकिंग से आप सेटिस्फाइड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप क्वांटिटी नहीं बेक कर सकते। जैसे ओवन में हम क्वांटिटी बेक कर सकते हैं, वो सिर्फ नहीं होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ ओके है। सुनैना इज आस्किंग, एक मिनट, सुनैना इज आस्किंग, वी कैन यूज मैंगो पीस इंस्टेड ऑफ मैंगो प्यूरी? हाँ, प्यूरे के साथ भी पीसेस यूज कर सकते हो आप। कैरल, व्हाट्स द साइज ऑफ द केक टिन यू यूज? 6 इंच, ये 6 इंच है। ट्रेनिता, विच ऑयल नीड टू बी यूज्ड फॉर बेकिंग? सनफ्लावर ऑयल यूज़ करो। सी बेसिकली आपको ऐसा कोई न्यूट्रल ऑयल यूज़ करना है जो स्मेल नहीं देगा और जिसका कोई कलर भी नहीं होगा। ओके, सो सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। सी आइसक्रीम केक में हमें सिर्फ उतना ही करना है कि जहाँ पे हम लेयरिंग में क्रीम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको आइसक्रीम यूज़ करना है। सो जो भी फ्लेवर का आपका आपको करना है केक, वो फ्लेवर का आप आइसक्रीम उसमें लेयरिंग में कर सकते हो। दीपाली जैसे मैम बेसिक केक क्लास में स्पॉन्ज भी सिखाते हैं क्या? यस। कीर्ति मैम, माइक्रोवेव है उसमें दोनों रैक है, ऊपर से बेक कर सकते हैं? नहीं नहीं। गौरी जैसकिन, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग इज गुड और व्हिपिंग क्रीम? सी दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग, क्योंकि बटर क्रीम बहुत हेवी होता है, बहुत स्वीट होता है, सो वो सबको नहीं इतना अच्छा लगता। और हमारे यहाँ पे तो फ्रेश क्रीम ही ज़्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिवली बटर क्रीम। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में बटर क्रीम खा सकते हो कपकेक में वगैरह, बट इतने बड़े केक में बटर क्रीम कोई इतना पसंद नहीं करता। कुंदन मैम, केक आइसिंग की क्लास की कितनी फीस है? आइसिंग टेक्निक है ना? हाँ। 1600। श्वेता इज आस्किंग, आपकी स्पॉन्ज रेसिपी में आप कंडेंस मिल्क यूज करते हो? हाँ, कंडेंस मिल्क यूज होता है, एक विदाउट कंडेंस मिल्क भी है। कुंदन इज आस्किंग मैम, क्रीम कितने टाइम बीट करना है? क्रीम, एक बाउल क्रीम को बीट होने के लिए आपको मोस्टली 8 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। झरना मैम, रेड वेलवेट केक के स्पॉन्ज में रेड कलर अच्छा नहीं आ रहा है, क्या करूं? हेल्प। अच्छा कलर यूज करो, शेफ मास्टर का सुपर रेड जेल कलर, तो फिर आएगा। अभी मेरा ये क्रम कोटिंग हो गया है, अब इसके ऊपर हम फाइनल कोटिंग कर दे हैं। सो फाइनल कोटिंग के लिए मैं पहले यहाँ पे टेबल को क्लीन करती हूँ और क्रीम के साथ स्टार्ट करती हूँ।
अभी मैं कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ जैसे मैंने बोला सीनियर सिटीजन से थोड़ा सा सूदिंग कलर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो सूदिंग कलर्स के लिए मैं यहाँ पे ऑफ वाइट कलर और उसके साथ गोल्डन और पिंक का कॉम्बिनेशन कर लूँ, जो हमने पहले भी ट्राई किया है। और मैंने आप लोगों के साथ इतने सारे रफल्स सिखाए, सो रफल्स का और एक डिफरेंट पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं पहले ऑफ वाइट कलर बना रही हूँ, बिकॉज पहले तो हमें केक को पूरा कवर करना है फाइनल कोटिंग के साथ। ज्योति जैसिंग मैम, प्रीमिक्स क्लास अवेलेबल है क्या? प्रीमिक्स क्लास अवेलेबल नहीं है फिलहाल ऑनलाइन, बट बहुत स्टूडेंट ने पूछा है, सो आई विल ट्राई टू मेक अ होममेड प्रीमिक्स सिखाने की मैं कोशिश करने वाली हूँ ज़रूर ऑनलाइन। मैम आपके वीट ब्रेड क्लासेस है? सी ब्रेड क्लासेस है जिसमें सारे टाइप के ब्रेड्स है, और उसमें हमने एक वीट ब्रेड भी सिखाया है, और जितने भी ब्रेड्स है वो सारे आप कर सकते हो होल वीट में। शेली सिंह मैम, बटरस्कॉच केक भी सिखाइए। यस, बटरस्कॉच केक मैंने प्लान किया है, बट ये वीक में थोड़ा सा मेरा जो ये सारे पर्सनल फंक्शंस है, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीक में ज़रूर सिखाऊंगी। मेरा केक सोपिंग के बाद ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। दैट मीन्स आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपको कम यूज़ करना है शुगर सिरप। अगर चिपचिपा हो रहा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी कम करना है आपको। मनीषा मैम, आइसक्रीम कुल्फी फालूदा बताइए ना। यस, उसका तो रेडी क्रश मिलता है, अवेलेबल है, जो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं उसी तरह से आपको करना है। कुंदन मैम, आपकी केक की डिजाइन्स बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। नॉर्मल स्पॉन्ज यूज करू शकते। झरना मैम, सेमी फोंडेंट केक में टॉपर्स कब रख सकते हैं, फिर केक को फ्रिज में रखना है? अगर बड़े टॉपर्स हैं तो लास्ट मोमेंट में रखो जब आपको डिलीवरी करनी है, और छोटे टॉपर्स हैं तो आप उसको लगा के फ्रिज में रख सकते हो। अनुज आस्किंग मैम, मल्टीग्रेन ब्रेड है ब्रेड क्लास में? जो मैंने होल वीट दिखाया है उसे ही आप चेंज कर सकते हो, होल वीट के जगह मल्टीग्रेन भी कर सकते हो। कुंदनी जैस्मिन मैम, रेड वेलवेट केक की फीस कितनी है? इट्स 900 और अभी फिलहाल 450 है, 50% डिस्काउंट। श्वेता मैम, कौन से कलर यूज करते हैं आप? मैं बेकर्स विले के ही कलर यूज़ करती हूँ, जो ये बड़े बॉटल्स है जो मैंने हमेशा दिखाए हैं आप सबको, और कभी कभी जेल कलर्स में शेफ मास्टर के यूज़ करती हूँ और मैजिक कलर्स के। हार्दिक सिंह, हाय मैम, योर लाइक आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल, योर डिजाइंस आर वेरी नाइस, थैंक्स। थैंक यू। महिमा इज आस्किंग, ब्रेक क्लास का रेट क्या है? ब्रेड क्लास इज 2800
और अभी 50% डिस्काउंट है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिक्लेयर किया था कि जिन्हें हेल्थ इशू है उनके लिए 60% डिस्काउंट है। Cinderella is asking how to make Swiss chocolate. Swiss chocolate के लिए आपको made in Swiss chocolates use करने हैं, या फिर अगर नहीं मिलते हैं तो आपको स्वीटर टेस्ट के लिए मिल्क और डार्क को मिक्स करना है। प्रीति इज आस्किंग मैम केक के ऊपर अगर राइस बॉल लगाते हैं तो क्या वो सॉफ्ट हो जाता है? यस, ज़्यादा टाइम रखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। झरना इज आस्किंग ब्रेड क्लास की प्राइस। ब्रेड क्लासेस 2800 है और अभी 50% डिस्काउंट है, सो 1400। वैशाली जैसे आप कौन कौन से क्लासेस लेते हैं? सी, मैंने लिंक शेयर की है, वो लिंक पे आप जाके सारे ऑनलाइन क्लासेस चेक कर सकते हो। सारे बेकिंग से रिलेशन में सारे क्लासेस है अवेलेबल। गौरी जैसे क्रम कोटिंग होने के बाद फ्रिज में रखना जरूरी है क्या? यस, रखो ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। अगर टाइम नहीं है फिर भी एक 5 मिनट रखोगे तो भी चलेगा, ताकि अंदर के क्रम सेट हो जाए और फिर आप ऊपर का कोटिंग आसानी से कर सकते हो। मीनाक्षी इज आस्किंग विच कलर कोको पाउडर शुड बी यूज फॉर रेड वेलवेट केक। विच कलर कोको पाउडर? हाँ, कोको पाउडर आपको लाइट यूज करो। टाइमिंग आपके रेसिपी के अकॉर्डिंगली होगा, बट मोस्टली सारे केक आपके 180 डिग्री पे बेक करना है। थैंक यू। मनीषा सिंह मैम, मैंने आपकी ट्रफल रेसिपी से 3 kg केक बनाया और वो कस्टमर को बहुत ही पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। ट्रफल केक तो इतना अच्छा बनता है कि बाहर का कभी फिर खाएगा ही नहीं कस्टमर, अगर एक बार आपका खा लिया तो। थैंक यू। भारती सिंह, थैंक यू सो मच मैम फॉर इनोवेटिव एंड नाइस डिजाइन्स। मीनाक्षी जस्टिंग कैन वी यूज मैजिक कलर्स रेड कलर फॉर रेड वेलवेट? यस, आप यूज कर सकते हैं। सी, अभी हमने केक को पूरा कवर कर लिया है और मैं यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा रफल्स करूँगी, पहले एक साइड में। सो रफल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं R11 नोज़ल। सी, दिस इज R11 नोज़ल हम यूज़ कर रहे हैं। मॉकटेल क्लासेस मैं नहीं कंडक्ट करती, मेरे सारे क्लासेस बेकिंग के ही होते हैं। थैंक यू। मनीषा, हाय मैम, मेरा केक डोम शेप बन जाता है, सो प्लीज मुझे आप OTG में बेक करने के सही तरीका बताइए। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ज़्यादा हीटिंग नहीं करना है, ओवर हीटिंग नहीं करना है,
ओवन को, बैटर की कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए, रेसिपी फुल प्रूफ होनी चाहिए आपकी, जिसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कम ज़्यादा ना हो। और टैपिंग करो अच्छे से ताकि एयर गैप्स ना आए। मीनाक्षी सेम, योर डिजाइन्स आर वेरी प्रिटी, यू ऑलवेज कम विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू। सी हम अभी R11 नोजल यूज कर रहे हैं, सो आज मैं एक ही नोजल यूज करके ये केक बनाने वाली हूँ। मैंने दिखाया है ऑलरेडी ट्रफल केक का लेयरिंग। दिशा, विच ब्रांड कोको पाउडर टेस्ट गुड एंड नॉर्मल और डार्क वन इज बेटर? सी, कोको पाउडर आपको हमेशा आपके यूज के अकॉर्डिंगली, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज करो। केक में अगर स्ट्रॉन्ग टेस्ट चाहिए तो स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, अगर लाइटर टेस्ट चाहिए तो लाइटर कोको पाउडर यूज़ करो। सो ये टोटली वही डिपेंड करता है उसी के ऊपर। दीपा इज सेइंग, मैम हाउ टू मेक द स्पॉन्ज केक? स्पॉन्ज केक मैंने कुछ स्पॉन्ज भी बना के दिखाया है, लाइव में भी दिखाया है, अगर आप लाइव चेक करोगे तो उसमें भी दिखाया है। और अगर आपको बेसिक से सारा सीखना है तो यू कैन ज्वाइन माय स्पॉन्ज क्लास। गौरी इज़ आस्किंग, ऑफ वाइट कलर बनाने के लिए कौन सा कलर मिक्स करना चाहिए क्रीम में? सी, मैंने अभी येलो कलर मिक्स किया है ये कलर स्प्लैश का। ओके, नाउ आई एम मेकिंग रफल्स। यहाँ पे मैं क्रॉस रफल्स कर रही हूँ। मैंने दो लास्ट लाइव में आपको सिखाए थे कि हमने हॉरिजॉन्टल रफल्स किए थे। ओके, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल किया था, फिर एक रफ इसमें मैंने पूरा कवर किया था, जो मेरे बेटी का बर्थडे था वो केक में हमने पूरा कवर किया था। अभी मैं साइड रफल्स कर रही हूँ। सो उसके लिए मैं नीचे से स्टार्ट करके इस तरह से मैं ये रफल्स कर रही हूँ। भक्ति प्रिय सिंह, हाय मैम, रेड वेलवेट फ्लेवर भी दिखाओ ना प्लीज। रेड वेलवेट केक का मेरा पूरा क्लास है जहाँ पे मैं स्पॉन्ज और फिर आपको सारा फ्रॉस्टिंग वगैरह कैसे करना है वो सब कुछ सिखाती हूँ। सुनीता, हाय मैम, मैं आपका लाइव डेली रात को देखती हूँ, आप बहुत अच्छे से बताते हो। थैंक यू। राजेश्री भाई इज आस्किंग, विच कंपनी चॉकलेट कलर टू बाय? चॉकलेट कलर यू कैन गो फॉर द मैजिक कलर्स या फिर अमेरिके है, शेफ मास्टर के है, सारे चॉकलेट कलर्स अवेलेबल है। ओके, तनुजा, मैम हाउ टू गेट ए शाइनी ग्लॉसी इफेक्ट ऑन गनाश केक? गनाश केक पे शाइनी ग्लॉसी इफेक्ट लाने के लिए आपको मिरर ग्लेज पोर करनी है उसके ऊपर। इतने लाइव वीडियो देखे हैं, बट कोई भी इतने पेशेंट के साथ आंसर नहीं देता। आप इतना पेशेंट कहाँ से लाते हो? बहुत अच्छे से आंसर करते हो आप। थैंक यू। सी, मैंने अभी यहाँ पे हाफ केक को रफल किया है और मुझे पूरा केक को कवर नहीं करना है, आधा ही रखना है। सो इसीलिए मैं पूरा केक में नहीं कर रही हूँ, जस्ट और एक लाइन कर रही हूँ। ओके, सी,
और इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा गोल्डन करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था। सो गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। Chandana is asking, ma'am, how to get glossy fondant texture? उसके ऊपर पाइपिंग जेल यूज करो। He is saying, ma'am, show your purple color. पर्पल कलर मैंने दिखाया है, वापस एक बार आपको चाहिए तो बॉटल दिखा देती हूँ मैं। पायल इज आस्किंग, मैम, हाफ के जी ब्लैक फॉरेस्ट केक का क्या प्राइस होगा? हाफ के जी ब्लैक फॉरेस्ट 400, मैक्स टू मैक्स 450। सुनैना, मैम, टुडे आई मेड केक इन अ कुकर बेटर फ्रॉम माइक्रोवेव, आपने सिखाया था पर आज याद आया। यस, माइक्रोवेव से बेटर आपको रिजल्ट्स हमेशा कुकर में आते हैं। सो कुकर हो या फिर गैस, यू कैन यूज। गौरव, मैम, केक का बेस बनाने के लिए कर्ड भी यूज कर सकते हैं क्या? यस, कर्ड की रेसिपी भी बहुत होती है, बहुत अच्छी हो जाती है वो भी। यू कैन यूज एनी रेसिपी आपके पास जो भी है, आपको जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है वो सारे रेसिपी आप यूज़ कर सकते हो। एक कर्ड की रेसिपी मैंने भी लाइव में शेयर की है, जो मैंने रोज़ केक बनाया था, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। अमिता, मिस क्रीम मेल्ट ना हो इसलिए कुछ रामबाण तरीका बता। मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं हर लाइव में, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपको। अगर समर है तो बहुत केयरफुली काम करना है आपको, और बाकी भी क्रीम का टेम्परेचर मेंटेन रखो। क्रीम बीट होने के बाद तुरंत मत यूज़ करो, उसको थोड़ी देर फ्रीज में रखो ढक के। प्रीति इज आस्किंग, चॉकलेट गार्निशिंग से अगर फ्लावर बनाना है तो उसका क्या मेजरमेंट लेना है? वो मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन आपको क्या गार्निशिंग करनी है, ऐसे नहीं बता सकते। एकता, विच नोजल यू यूज नाउ? नोजल नंबर R11। सी, ये हमने यहाँ पे बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही ब्यूटीफुली ये रोजल का वर्क किया है, रफल्स का। जैस्मिन, ऑलवेज लर्न न्यू डिजाइन्स इन योर लाइव सेशन। हर्षु, यूनिक डिजाइन, यू आर अ ग्रेट मैम। थैंक यू। सी, ये रफल लुक फॉन्डेंट में बहुत बनता था, लेकिन अभी क्रीम में भी हम बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ऑलवेज ध्यान रखो कि उसको उतने ही ब्यूटीफुली पाइप करो, नहीं तो फिर वो अच्छे नहीं दिखेंगे। ठीक है, सो हमने ये यहाँ पे रफल्स को किया है। युगा, लवली मैम, थैंक्स फॉर दिस रफल आइडिया, रसमलाई केक ला अशिस डिजाइन बेटर। यस, रसमलाई केक को बहुत अच्छी दिखेगी। ओके, अभी मेरे पास मैं यहाँ पे अभी पहले दो रोजेस बनाने वाली हूँ। सो क्रीम को मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक गोल्डन फ्लावर्स। अभी गोल्डन चाहिए मुझे, येलो और गोल्डन का इफेक्ट है।
दीप्ति फोटो प्रिंट केक 1 kg का प्राइस इन फ्रूट पंच फ्लेवर 1 kg 1200 1200 to 1400 चाहिए आपको। रश्मि जस्किंग मैम ये गोल्डन कलर कौन सा है प्लीज शो। गोल्डन कलर एयरब्रश का कलर है ये। मैंने अभी यहाँ पे येलो कलर थोड़ा सा डार्क बनाया है क्योंकि मुझे गोल्डन फ्लावर्स करने हैं। ज्योति मेरा फिनिक्स का बेस ज़्यादा राइज नहीं होता, 180 ग्राम दिया तो बहुत ही पतली लेयर्स आती है 6 इंच ट्यूब के लिए। तो फिर आपका कुछ मेजरमेंट गलत हो रहा होगा बिकॉज प्रीमिक्स का केक अगर राइज नहीं होता है तो आइदर प्रीमिक्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके करने में कोई गलती है, बिकॉज प्रीमिक्स में तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है आपको। वो तो जिसे बेकिंग नहीं आता वो भी अच्छे से कर लेता है। सो नाउ आई एम मेकिंग रोजेस। सो रोजेस के लिए मैंने येलो कलर लिया है और इस तरह से हम रोजेस कर रहे हैं। चांदनी सिंह एलिगेंट लुक थैंक यू और ये रोजेस में मैं अभी ये गोल्डन स्प्रे कर रही हूँ। सी दिस इज गोल्डन स्प्रे है ये मेरे पास, उस पर मैं स्प्रे कर रही हूँ। बनाते वक्त डोम क्यों निकल आता है मिडल में? आज सबके स्पॉन्ज डोम आ रहे हैं। ये मैंने आंसर किया है 2-3 बार, आप एक बार लाइव चेक करो, मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया है इसके बारे में सब कुछ। सीजर को तो तो ये सेम ही नोजल यूज़ किया है मैंने R11 और उससे हम यहाँ पे रोजेस बना रहे हैं। रीति जासिंग मैम रोज बनाने के लिए सॉफ्ट क्रीम चाहिए या स्टीफ क्रीम? थोड़ी सी मीडियम क्रीम चाहिए, ज़्यादा स्टीफ नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो उसको अच्छे से पहले चिल्ड करो, मे बी आप जब कलर वगैरह
मिक्स करते हो तो क्रीम लूज होती होगी। उसको अच्छे से चिल्ड कर लो फिर यूज़ करना। प्रीति मैम एडिबल फोटो फुल ट्रफल केक के ऊपर लगा सकते हैं? यस वैशाली जैसी ये गोल्डन कलर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? हाँ ये हम डायरेक्ट ही यूज करें, दिस इज स्प्रे बॉटल, ये स्प्रे है तो आप इसको डायरेक्ट ही यूज करो। हर्षाई जैसिन कैन बी कलर द रोजेस विथ शिमर पंप ऑल्सो? यस यस आप शिमर पंप से भी कर सकते हो। और अभी मैंने कुछ छोटे रोजेस किए हैं वो दिखाती हूँ आपको, देते हुए अभी थोड़ा सा फोंडेंट यूज कर रही हूँ मैं। सो मेरे पास कुछ फॉन्डेंट के रोजेस है यहाँ पे, उसे यूज़ कर रही हूँ मैं। ओके और लीव्स भी रखे हैं मैंने कुछ करके। ओके सो वो यूज़ कर रही हूँ मैं। खाली ठेवते हैं इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे फ्लावर्स मैं यूज कर रही हूँ। कैसे पता चलेगा? आपका जितना भी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और फिर उसके आपको 3 times लेना है सब कुछ, मतलब 3 times आपकी कॉस्टिंग होगी। दीप्ति जैस्मिन फोंडेंट साइड पर लगाओ तो स्लिप हो जाता है, लेकिन आपको ज्यादा हेवी फोंडेंट नहीं लगाना है और उसको हमने अच्छे से ड्राई कर लिया है। सुनैना मैम थैंक्स फॉर टीचिंग न्यू टेक्निक्स एंड आइडियाज। अनुपमा विश योर मॉम हैप्पी बर्थडे मैम एंड यस्टरडे क्लच आर वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिलाइज सेम ब्यूटीफुल। इस तरह से हम ये पूरा केक को यहाँ पे लगा रहे, पीछे भी मैं पूरा केक में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। रश्मि आस्किंग सिंपल गोल्डन डस्ट भी साइड में यूज कर सकते हैं क्या? गोल्डन डस्ट मुश्किल है आप इतना लगाना। ग्रेट आइडिया मैम। नीलम इज सेइंग सुपर्ब केक, थैंक यू। कामिनी ऑलवेज फाइंड सुपर्ब न्यू इनोवेटिव डिजाइन। डॉक्टर आकांक्षा इज आस्किंग मैम इन विच टीम साइज वी कैन बेक 1 kg केक?
वन के जी के लिए आपको 7 इंच ले सकते हो आप, 7 इंच या फिर 8 इंच, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेकोरेशन। अगर 7 इंच में आप थोड़ा सा टॉल चाहिए तो आप 7 इंच ले लो, वाइड चाहिए तो 8 इंच ले लो। ओके, और मैंने यहाँ पे ये मेरे पास एक नॉन एडिबल बटरफ्लाई है उसे यूज़ किया है, और बस और कुछ मुझे ज़्यादा करना नहीं है इसमें। थोड़े से एक्स्ट्रा फ्लावर्स में पीछे के तरफ बाद में लगाने वाली हूँ। यू गाइस सेइंग वाओ सुपर्ब मैम। डॉक्टर आकांक्षा इज आस्किंग मैम फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस टॉपर्स। सी ये टॉपर्स तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखता है तो लेके आती हूँ। सो मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपर्स का कलेक्शन है, जब भी कुछ नया देखती हूँ तो मैं लेके आती हूँ। नाउ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। जिनिशा इज सेइंग सुपर्ब। विनीता वेरी ब्यूटीफुल। एकता इज सेइंग ब्यूटीफुल केक। दमयंती आल्सो सेइंग ब्यूटीफुल। जसविंदर आल्सो सेइंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। सी आपको जब भी आप उस फ्रीज में रखते हो ना केक को, तो बाहर निकालोगे तो उसको पानी नहीं ज़्यादा छूटना चाहिए। जितना पानी छूटने दोगे आप तो वो फॉन्डेंट है तो वो स्लिप होने के चांसेस हैं। तो उसको एक प्रॉपर वे में ड्राई करो और बाद में यूज़ करो, और थिकनेस भी बहुत कम नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हेवी है तो भी स्लिप होते हैं और कम भी नहीं होने चाहिए, कम है तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अमृता इज सेइंग सुपर्ब केक। गौरी वाओ वंडरफुल। थैंक यू। कार्तिक इज आस्किंग इसमें क्रीम से भी स्मॉल फ्लावर्स बना सकते हैं। यस बना सकते हो। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड नहीं है तो आप डेफिनेटली अपने इनोवेशन के अकॉर्डिंगली स्मॉल फ्लावर्स बनाओ और उससे डेकोरेट करो। ओके, नेहा होममेड फोंडेंट पीस क्या है। ओनली फॉन्डेंट इज 500 और पूरा फॉन्डेंट क्लास आफ्टर डिस्काउंट 2250। प्रीति ब्यूटीफुल केक। जुगनू ब्यूटीफुल डिजाइन। ज्योति सिंह वेरी वेरी ब्यूटीफुल केक एंड कलर। दर्शना इज आस्किंग गोल्डन डस्ट कौन सा यूज कर किया है। गोल्डन डस्ट आप ड्राई यूज करो, और मेरे पास ये स्प्रे कलर है वो आप यूज़ कर सकते हो। दीज आर गोल्डन कलर्स अवेलेबल। ये गोल्डन स्प्रे कलर्स है, इसमें आपको सिल्वर मिलते हैं, रोज गोल्ड, कॉपर, इस तरह से सारे मिलते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। वैशाली से आस्किंग केक का प्राइस क्या होगा। ये केक अभी ऑब्वियसली मैंगो है और इतना अच्छा डेकोरेशन किया है हमने, तो आप इसको 1500 to 1600 पर के जी सेल कर सकते हो। शेल वाव जी करता है आप केक को देखते ही रहूं, मैजिक हैंड। थैंक यू मैम। थैंक यू शैल। दीप्ति वाव मैम वेरी नाइस केक। पूजा इज आस्किंग मैम गोल्डन बटरफ्लाई कहाँ पे मिलते हैं। ये आपको सारे बेकिंग सप्लायर के पास ही मिलते हैं, जैसे अभी वेफर पेपर के आए हैं वैसे ये गोल्डन बटरफ्लाईज भी मिलते हैं। After discount 500. Neha is saying awesome cake. Snehal, excellent design. Malini, wow ma'am, you are doing always awesome. Thank you. Sunetra, amazing cake. Karthik, thank you ma'am. Dolly is saying beautiful cake. प्लीज़ शेयर करो लाइव को ताकि और लोग भी ये सीख सके, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, फॉलो करो, ताकि आपको इस तरह से नए नए ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिले। ओके, और सो दिस वाज आवर एनिवर्सरी स्पेशल केक, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अर्जुन का कमेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग। या सुपर से भी ऊपर, कामिनी फ्लॉलेस वर्क, शिल्पा सिंह द केक इज लुकिंग वेरी यम्मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड बाय।